हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलाएगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और एक महीने में देखें तो इस स्टॉक में 5% का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 3 महीने में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, 6 महीने में 12.5%, 1 साल में 67%। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 51 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 2 रुपीज। 2 रुपीज इस स्टॉक में नीचे का एक लो बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 2 रुपीज 85 पैसे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 4 रुपीज 50 पैसे के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।